नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और नोटिफिकेशन को लेके। बहुत ही अच्छी खासी रिक्वायरमेंट निकल के आई है और ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है भारतीय रेल की तरफ से। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन है ये राइट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई है, जो कि गुड़गांव में की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए देख लेते हैं किन किन ट्रेनों के लिए कितनी सीट मांगी गई है। तो हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो नीचे आएंगे तो ये जैसे कि वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन एयर कंडीशनर और टेक्नीशियन मैकेनिकल प्लम्बिंग और टेक्नीशियन एयर ब्रेकर। तो जितने भी ITI पास स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आइए देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर सीटों की संख्या हालांकि थोड़ी सी कम है, बट जिनके पास एलिजिबल क्राइटेरिया होगा तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सभी में जो कि पोस्ट सेम है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर टेक्नीशियन एयर कंडीशन की करेंगे तो दो, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अभी दो, और टेक्नीशियन मैकेनिकल में आप देख पा रहे होंगे ये भी दो सीटें निकली हैं, टेक्नीशियन प्लम्बिंग इसमें भी दो, और टेक्नीशियन एयर ब्रेकर के लिए भी इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो दो सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे ये जो इसमें जो एज मांगा गया है वो मैक्सिमम 40 साल है, जिसका गणना 1/3/2023 से की जाएगी। बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की। तो जो टेक्नीशियन एयर कंडीशनर है उसमें आपके पास ITI और उसके साथ साथ आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ट्रेड में किसी में आपके पास ITI होना चाहिए, और ITI के साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप। साथ ही साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि रेलवे कोच के तरफ से। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं अगली पोस्ट। तो अगली पोस्ट जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है इसमें आपके पास ITI पास आउट के साथ इसमें अप्रेंटिसशिप मांगा गया है जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए, वो भी इंडियन रेलवे की तरफ से, जो कि इंडियन रेलवे के तरफ से जो अप्रेंटिसशिप किया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। तो अगली पोस्ट जो मैकेनिकल के लिए आ रही है उसमें आपके पास ITI ट्रेड में ITI पास आउट, और इसमें जो ट्रेड मांगा गया है उसमें आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन प्लम्बिंग का जो वर्क है इसमें भी आपके पास अगर आप इंडियन रेलवे की तरफ से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें भी ITI और इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड के बच्चों के लिए ये सीटें हैं। आगे जो सीट हैं वो टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर ब्रेक, इसमें आपके पास ITI
और उसके बाद जो आपके पास ट्रेड अप्रेंटिस है वो मैकेनिकल से होना चाहिए, वो भी इंडियन रेलवे की तरफ से। अगर आपके पास इंडियन रेलवे की तरफ से मैकेनिकल में अप्रेंटिसशिप है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि जितने भी सारे पोस्ट हैं इन सब में आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड में। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और ट्रेड में अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट 100% का होगा। इसमें जो है कि टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पे स्केल की बात करें तो 20,000 से लेके 66,000 तक आपकी पे स्केल है, तो सैलरी बहुत ही दमदार है। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर की। तो टोटल इसका जो एग्ज़ाम है वो 6 सिटी में होगा। यहाँ पर फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो फॉर्म फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये और ईडब्ल्यूएस एसटी एसटी पीडब्ल्यूएल कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो टोटल 6 सिटी में होने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर। तो इन 6 सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को भी फुली रीड कर पाना तो www.rights.com पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को फुली डाउनलोड कर, तो यहां से आपको फुली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट के, किसका फॉर्म कब से फिल होगा, कब इसकी लास्ट डेट है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्म के स्टार्टिंग डेट 1/3/2023 से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 25/3/2023 है। तो जो भी बच्चे इस वैकेंसी को फुली फिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास दिए गए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक जय हिंद।